अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हामिद नवीद। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हामिद नवीद मलिक। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं एक्टर एडवाइजर सीरीज़, और उम्मीद करता हूं कि मेरी अभी तक प्रीवियस जितनी भी एपिसोड हैं वो आप लोगों ने देखी होंगी और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरी ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आपने अभी तक कोई एपिसोड नहीं देखी तो जाइए, पीछे की सारी एपिसोड आप जाकर देखें, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपने एक्टिंग की स्किल्स को किस तरह इम्प्रूव करना है, एक्सरसाइजेस क्या हैं, वो सब, एक्टिंग के लिए जाना कहाँ है, किस तरह जाना है, किससे बात करनी है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। उन तमाम वीडियोज़ को देखें भी और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपके बहुत से दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कि आप मेथड एक्टिंग के हवाले से एक डिटेल वीडियो बना दें, जबकि मैं अपनी पहली एपिसोड में बता चुका हूँ कि मेथड एक्टिंग क्या होती है। लेकिन आज फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेथड एक्टिंग क्या है, डिटेल वीडियो उसकी बनाएंगे हम। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और फर्स्ट टाइम मेरा पहली ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उसके बाद जो लिस्ट खुलती है उसमें ऑल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी करते हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मेरा चैनल बहुत जल्दी जो है वो मोनेटाइज हो जाए। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें लाने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। सिर्फ इसे उससे पहले आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एडवाइजर सीरीज़ के अंदर और आज के टॉपिक पर बात करते हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टर एडवाइजर सीरीज़ के अंदर मेथड एक्टिंग क्या होती है। अपने आप को, अपनी रियल पर्सनैलिटी को, अपनी रियल बॉडी को किसी करेक्टर के मुताबिक, किसी करेक्टर के लिए, उस करेक्टर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन देना या ट्रांसफॉर्म करना मेथड एक्टिंग कहलाता है। जैसे कोई करेक्टर है, उसके अंदर बड़ी बड़ी मूछों की रिक्वायरमेंट हो, तो आपने रियल में मूछें रख ली, दाढ़ी की रिक्वायरमेंट आपने दाढ़ी रख ली, बड़े बाल की रिक्वायरमेंट है बड़े बाल रख लिए, टमी की बहुत एक टोन की रिक्वायरमेंट आपने टोन निकाल ली खा पी कर, मसल्स की है, एक मस्कुलर बंदा है उसकी चाहिए, आपने एक्सरसाइज करके उस करेक्टर के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, उस करेक्टर के लिए आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपनी रियल पर्सनैलिटी को, वो मेथड एक्टिंग कहलाता है। उसके साथ साथ आपने उठना बैठना, खाना पीना, चलना, स्टाइल, लैंग्वेज और टोन, एक्सेंट, ये सब चीज़ों को उस करेक्टर के मुताबिक चेंज करना मेथड एक्टिंग कहलाता है। जैसे आपके जो है आमिर खान साहब हैं, वो अपनी एक्टिंग, अपनी जो फिल्में हैं उनके अंदर ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं अपनी बॉडी को करेक्टर के मुताबिक। जैसे दंगल में उन्होंने पहले जो है वो खा पी के अपने आप को हेल्दी किया, फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल लीन किया, अपने आप को दोबारा मस्कुलर पर लेकर आए, वो मेथड एक्टिंग का एक तरीका था। उसके बाद दंगल में उन्होंने बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी और बाल रखे, वो एक मेथड एक्टिंग का था उसमें, मंगल पांडे में दंगल बोल गया, मंगल पांडे में, और उसके में था। उसके बाद उन्होंने बहुत सी अपनी दूसरी फिल्म अभी जो ठग ऑफ हिंदुस्तान आई थी, उसके अंदर भी उन्होंने अपने आप को करेक्टर को चेंज किया, वो मेथड एक्टिंग होती है। उस तरह के बहुत से एक्टर्स हैं जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं अपनी रियल पर्सनैलिटी को उस करेक्टर के अंदर, उस करेक्टर के लिए, तो वो मेथड एक्टिंग कहलाता है। आपको जल्दी से एक डिटेल डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ कि अपनी रियल पर्सनैलिटी को, अपनी रियल फिजिक को, अपनी रियल बॉडी को किसी करेक्टर के लिए, उस करेक्टर की रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन देना, ट्रांसफॉर्म करना मेथड एक्टिंग कहलाता है। अपने टोन को, अपनी स्टाइल को, अपने बोलने के अंदाज को चेंज करना मेथड एक्टिंग कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेथड एक्टिंग की डिटेल वीडियो जरूर समझ आ चुकी होगी, ये डिटेल डेफिनेशन जरूर समझ आ चुकी होगी। क्या हो रहा आज? मुझे इजाजत है, लेकिन उससे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मैं बहुत सी चीज़ें लाना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए इस चैनल के अंदर, बस उससे पहले आप लोगों की मदद की दरख्वास्त है, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइजेशन में तब्दील हो जाए, और फिर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके चैनल को फिर आप लोगों के लिए वेब सीरीज़ और बहुत से शोज़ जो मैं सोच कर रखे हैं वो लेकर आऊँ, ताकि आपको मज़ीद इंटरटेनमेंट देख सकूँ। अब कोई टॉपिक, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल अकाउंट जो है उन पे आकर आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उसी तरह डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। थैंक यू।